चीजों से। सबसे पहले कंपनी, कंपनी क्या होती बेटा? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब क्या होता बेटा? ग्रुप ऑफ पर्सन, है ना। हम एकदम बेसिक चीजें ले रहे हैं ताकि जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में सही रहेगा। बेसिक चीजें हम समझ रहे हैं आज, है ना। तो सबसे पहले हमने बोला कंपनी, कंपनी क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पर्सन। ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब क्या हुआ कि कंपनी में कभी भी एक जना नहीं होता है, एक से ज्यादा होते हैं। हालांकि आजकल ओपीसी भी होती है, आजकल क्या होती है बेटा? ओपीसी। ओपीसी क्या? बट फिर भी कंपनी इज नोन एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, जहां एक से ज्यादा जने होते हैं, सब मिलजुल कर काम करते हैं, है ना। फिर कंपनी क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्रिएटेड बाय लॉ। जैसे हम पर्सन है क्या? कैसे पर्सन? नेचुरल पर्सन। हम कैसे पर्सन है? हमारा नेचुरल बर्थ हुआ है, हमारी नेचुरली। बट कंपनी कैसी पर्सन है? उसका बर्थ भी किसके द्वारा हुआ है? लॉ के द्वारा। उसकी डेथ भी कैसे होगी? इसलिए कंपनी को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। वाई इज कंपनी इज नोन एज आर्टिफिशियल पर्सन? बिकॉज कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी का बर्थ भी लॉ से होता है, कंपनी की डेथ भी लॉ से। फिर कंपनी बनाई काहे के लिए है? तो बोले बिजनेस करने के लिए। कंपनी बनाई काहे के लिए बेटा? तो हम कह सकते हैं कि कंपनी होती क्या है? मोड ऑफ रनिंग एनी लीगल बिजनेस। कंपनी होती क्या है बेटा? मोड ऑफ रनिंग एनी लीगल बिजनेस मतलब अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है बेटा? कई सारे क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, कई सारे ऑप्शन। हम स्टार्ट करते हैं जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप काहे के लिए बनाते हैं? बिजनेस करने के लिए। पार्टनरशिप काहे के लिए बनाते हैं? कंपनी भी काहे के लिए बनाते हैं? एलएलपी बनाकर भी क्या करते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं हम। तो इस तरह से हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, जिन ऑप्शन को चूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं? हमारा बिजनेस रन कर सकते हैं। क्या हम सोल प्रोप्राइटर के रूप में बिजनेस नहीं चला सकते? बिल्कुल चला सकते हैं, किसी ने रोका है क्या? नहीं। क्या हम पार्टनरशिप हम बनाकर बिजनेस नहीं चला सकते? चला सकते हैं। क्या हम एलएलपी बनाकर बिजनेस नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या एचयूएफ, एचयूएफ क्या था? कि एक ही हिंदू फैमिली के सभी मेंबर्स मिलकर जब किसी बिजनेस को चलाते हैं, दैट वाज नोन एज एचयूएफ। तो एचयूएफ भी क्या करता है? कंपनी भी क्या करती है? आवाज क्यों नहीं आ रही है? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो बेटा मैं ये बता रहा हूं, बिजनेस करने के तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। हमें बिजनेस करना है तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप बना लें, पार्टनरशिप बना लें, कंपनी बना लें, हम एलएलपी बना लें, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लें, हम एचयूएफ बनाकर बिजनेस चला सकते हैं। ये सब क्या हो गए? मोड ऑफ रनिंग एनी लीगल बिजनेस। कि किसी भी लीगल बिजनेस को चलाना है तो हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर किसी भी तो हमारे पास ये, अब बेटा ये जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, इन ऑप्शंस के अपने अपने क्या हैं? बेनिफिट हैं, अपने अपने एडवांटेज हैं, अपने अपने क्या हैं? डिसएडवांटेज। नहीं, सोल प्रोप्राइटर का अपना एडवांटेज है, पार्टनरशिप का अपना एडवांटेज है। सोल प्रोप्राइटर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सोल प्रोप्राइटर का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? अकेला पर्सन है, सब कुछ अपना है, अपनी मन मर्जी चलेगी। तो ऐसे जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबके अपने अपने क्या होते हैं? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। हमें चूज करना होता है कि हम किस तरह का एडवांटेज लेना चाहते हैं, किस तरह के डिसएडवांटेज हम बियर कर सकते हैं। जैसे कंपनी बनाने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी।
सबसे बड़ा एडवांटेज यही है ना, क्या लिमिटेड लायबिलिटी। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, एचयूएफ में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, क्या अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या, कि अगर आपका बिजनेस कल से बंद हो गया तो बिजनेस की असेट्स तो जाएगी ही, आपकी पर्सनल असेट्स भी चली जाएगी। वो पर्सनल असेट्स जिसका बिजनेस से कोई लेना देना है ही नहीं, फिर भी बिकवा दी जाएगी वो। जबकि कंपनी के केस में ऐसा, अगर हमने कंपनी बनाई है बिजनेस करने के लिए तो हमारी लायबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड। और अगर हमारी लायबिलिटी कैसी है, कल से बिजनेस बंद भी हो गया तो जितना पैसा हमने कहां लगाया था, कंपनी में लगाया था ना, केवल उतनी ही अमाउंट की रिस्क है, उससे ज्यादा की रिस्क हमारी है ही नहीं, बिकॉज हमारी लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड। ये पॉइंट आ रहा है समझ में अपने को। तो हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि कंपनी एक ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है, काहे के लिए, किसी बिजनेस को करने के लिए। मैंने लीगल डेफिनेशन नहीं बताई है, मैंने आपको जनरल डेफिनेशन बताई है। लीगल डेफिनेशन तो अगर आपको फाउंडेशन की याद हो तो हमने पढ़ा था, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच वॉज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर, वेरी गुड, वो लीगल डेफिनेशन थी। मैं भी लीगल डेफिनेशन पे आया ही नहीं हूं, अभी मैंने लॉ के प्रोविजन चालू ही नहीं किए, अभी हम केवल जनरल चीज देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कंपनी क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कि नॉर्मली कंपनी में क्या होता है, एक से ज्यादा जने होते हैं। जैसे कंपनी के ऑनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर। प्राइवेट में कम से कम, पब्लिक में कम से कम, सात तो चाहिए। तो ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ पर्सन who are working together for the purpose of achieving common object, for the purpose of running the business, for the benefit of all. फिर तो कंपनी के ऑनर कौन हो गए, शेयर होल्डर हो गए। कंपनी के ऑनर कौन हो गए बेटा, तो वो भी एक नहीं है, ओपीसी छोड़ दिया जाए तो। ओपीसी तो नया कॉन्सेप्ट आया वैसे भी, है उसमें एक ही जना होगा, बट अदरवाइज नॉर्मली तो क्या होते हैं, एक से ज्यादा ही होते हैं। फिर कंपनी को मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी को मैनेज कौन करते हैं, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हमने पढ़ा ना, प्राइवेट में कम से कम कितने डायरेक्टर होते हैं, दो। पब्लिक में कम से कम एक जना नहीं है जो डिसीजन ले रहा हो, जो सारे काम कर रहा हो, नहीं समझे आप भाई। मेंबर भी एक से ज्यादा है, डायरेक्टर भी एक से ज्यादा है, इसलिए तो हमने बोला कि कंपनी है क्या, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन हु आर वर्किंग टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्ट, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे, ऑब्वियसली बिजनेस करके। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कंपनी बनाई तो क्या कल से मुझे प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा, कंपनी बना प्रॉफिट अर्न करने के लिए, कंपनी बनाते काहे के लिए, हर बिजनेस को करने का पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, तभी तो वो बिजनेस है। अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तभी तो वो बिजनेस, अगर आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हो तो वो तो चैरिटी है ना, नहीं। तो यहां पर भी ये सब व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं किसी कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, और वो है प्रॉफिट अर्न करना। एंड प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो क्या चलाते हैं, किसी बिजनेस को चलाते हैं। ये तीन वर्ड समझ में आ गए, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब समझ में आया, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्रिएटेड बाय लॉ। तो कंपनी का बर्थ भी कैसे होता है, डेथ भी कैसे होती है, कंपनी का बर्थ होता है जब आरओसी के पास हम क्या करवा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन। थोड़ा बहुत फाउंडेशन का याद होगा ना, कि आरओसी के पास हम क्या करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ये समझ में आया, जूम करके इस पे फोकस रखना, ये चीज आ रही है समझ में अपने को। तो हमने बेसिक चीज पढ़ी कि कंपनी क्या हो गई, आर्टिफिशियल पर्सन है ना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो क्रिएटेड बाय लॉ है फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग एनी लीगल। कंपनी के लिए तीन चीज ध्यान रखेंगे कि कंपनी क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, हाँ काई के लिए बनाई जाती है, बिजनेस करने के लिए। यहां तक की कहानी समझ में आई। अब जैसे हमारी कंपनी है वो भी हमने काई के लिए बनाई है, बिजनेस करने के लिए, बोलते जाओ बच्चों क्या है हमारी है। वो भी हमने काई के लिए बनाई है, ऑब्वियसली बिजनेस करने के लिए बनाई है ना। अब क्योंकि कंपनी कैसी पर्सन है, मतलब कंपनी का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है,
क्या कंपनी का फिजिकल एग्जिस्टेंस है? फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब क्या हमारी तरह कंपनी का शरीर है? कंपनी के आंख का नाक गला मुंह है? कंपनी के हाथ हैं? इसलिए कंपनी खुद से कोई काम नहीं कर सकती है। कंपनी का दिमाग है? इसलिए कंपनी खुद से कुछ नहीं सोच सकती है। कंपनी की आंखें हैं? कंपनी खुद से कुछ भी देख नहीं सकती है। आप और हम कैसे पर्सन हैं? हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस है, हमारा शरीर है, हम हमारा काम खुद कर सकते हैं, खुद डिसीजन ले सकते हैं, सब कुछ चीजें खुद हो सकती है। बट क्योंकि कंपनी कैसी पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन होने के कारण कंपनी का क्या नहीं होता है? फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिर से बोलो, क्या होने के कारण? आर्टिफिशियल पर्सन होने के कारण कंपनी का क्या नहीं होता है? फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब कंपनी का शरीर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ है। कंपनी का बर्थ कब होता है? जब क्या करवा लेते हैं हम? रजिस्ट्रेशन। जैसे आरओसी के पास क्या करवाया? कंपनी का बर्थ हो जाता है। सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। अब बेटा कंपनी बनाई काय के लिए हमने? बिजनेस करने के लिए। बिजनेस करके हम क्या अर्न करेंगे? प्रॉफिट। भाई कंपनी बनाने का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट तो प्रॉफिट अर्न करना है, बट प्रॉफिट अपना थोड़ी होगा कि मैंने आज कंपनी बना दी और कल से प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं। मुझे ऑब्वियसली कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा? बिजनेस। क्या करना पड़ेगा? अब क्योंकि कंपनी कैसी पर्सन है, तो बिजनेस के रिलेशनशिप में डिसीजन कंपनी खुद ले सकती है। आप समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? कंपनी कैसी पर्सन है, मतलब कंपनी का, कंपनी की बॉडी, हाथ पांव है क्या, माइंड है क्या, कंपनी सोच पाएगी क्या, कोई भी डिसीजन ले पाएगी क्या? तो कंपनी खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकती है। क्यों नहीं ले सकती है? क्योंकि कंपनी का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। पॉइंट आ रहा आपको समझ में? वापस से, कंपनी खुद से क्यों नहीं ले सकती है? क्योंकि कंपनी का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। और कंपनी का फिजिकल एग्जिस्टेंस क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी, अब यार बिजनेस तो करना है, डिसीजन तो लेना है, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी के बिहाफ पर दो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है जो सारे काम करते हैं। एक तो होते हैं शेयर होल्डर, दूसरे कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी के बिजनेस करने के जितने भी पावर्स होते हैं, कंपनी के बिजनेस करने के जितने भी डिसीजन होते हैं, वो इन दो के द्वारा लिए जाते हैं। कंपनी बिजनेस करने के लिए बनाई अपन ने, चुपचाप मत बैठे रहो, बोलो कंपनी काय के लिए बनाई? अब आप खुद सोचो, आपका बिजनेस है, हाँ, हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस है, हाँ, तो हम डिसाइड कर सकते हैं ना, हम सोच सकते हैं ना, हम सारा काम कर सकते हैं ना। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम कैसे पर्सन है? नेचुरल पर्सन। हमारे पास क्या है? फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है क्या? और क्योंकि हमारे पास क्या है? हम हाथ पांव है, हम खुद काम कर सकते हैं, हमारे पास माइंड है, हम सोच सकते हैं, हम सारे डिसीजन ले सकते हैं, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज वी आर हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, नेचुरल पर्सन। बट कंपनी तो कैसी पर्सन है? बनाई काय के लिए? बिजनेस करने के क्या लेने हैं? जो भी बिजनेस करने के जो भी क्या है, पावर है, डिसीजन है, क्या वो कंपनी खुद ले पाएगी? क्यों नहीं ले पाएगी? क्योंकि कंपनी के पास, बेटा मैं लॉजिकल बता रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए फिर कंपनी के केस में क्या कर दिया, बोले दो अथॉरिटी होती हैं। एक कौन होते हैं? शेयर होल्डर। एक कौन होते हैं? मेरे शेयर होल्डर तो कंपनी के ऑनर्स हो गए, शेयर होल्डर तो कंपनी के क्या हो गए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के एक तरह से मैनेजर्स हो गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक तरह से कंपनी के क्या हो गए? मैनेजर्स हो गए। तो हमने बोला कि कंपनी चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दो पर्संस के कंधों पर होती है। एक तो कौन? शेयर होल्डर, जो कि कंपनी के क्या है? ऑनर। क्यों है? क्योंकि मनी इन्होंने ही लगाया कंपनी में, इन्वेस्टमेंट इन्हीं का है, पैसा इन्हीं का है। नहीं, कंपनी किसकी होती है? क्यों बेटा, क्यों होती है? पैसा लगाए ना यार। और आपके पास टू व्हीलर है, किसकी है? पापा की। किसकी है? क्यों है? पैसा उन्हीं का है ना, उन्हीं के नाम से है ना। फिर हम सीएस बन जाएंगे, हम कार खरीदेंगे किसके नाम से?
9 लाख पापा के नाम से नहीं खरीदोगे? हाँ, उन्होंने भी नहीं खरीदा हमारे नाम से। तो जब वो पैसा हमारा है तो वो चीज किसकी है? हमारी। तो कंपनी में पैसा कौन लगाता है? तो कंपनी के ऑनर कौन है? पार्टनरशिप फर्म के ऑनर कौन होते हैं? क्यों बेटा? वो पैसा उनका ना यार। ये तो बेसिक कंसेप्ट है। जिसकी लाठी उसी की भैंस होती ना, तो जिसका पैसा उसी की चीज होती। सीधी सीधी सी बात है। ये पॉइंट आया समझ में अपने को? तो हमने बोला शेयर होल्डर तो क्या हो गए? ऑनर। क्या वो भी कंपनी के बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं? हाँ, बट क्योंकि वो ऑनर है, वो सुप्रीम अथॉरिटी है, वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, वो कंपनी के डे टू डे बिजनेस को नहीं मैनेज करते हैं, उनके पास स्पेशल पावर्स होते हैं। शेयर होल्डर जो कंपनी के क्या हैं? ऑनर हैं, है ना? तो वो ऑनर होने के कारण वो तो सुप्रीम अथॉरिटी। सुप्रीम अथॉरिटी मतलब समझ में आया? सबसे बड़ी अथॉरिटी। कंपनी के केस में सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन है? शेयर होल्डर। डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर तो एक तरह से ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर तो एक तरह से एम्प्लॉय है कंपनी के, नौकर हैं शुद्ध हिंदी में। मालिक तो कौन है? शेयर होल्डर। मालिक क्यों है शेयर होल्डर? पैसा लगाया है। दुकान किसकी है? ये तो दुकान चला रहा है बस। यहां तक की कहानी समझ में आई? तो हमने बोला कि जो शेयर होल्डर होता है, कौन होता है जो? क्योंकि उसी ने कंपनी के अंदर क्या लगाया है? पैसा। इसलिए कंपनी की ऑनरशिप उसी के पास है। वो कैसी अथॉरिटी है? सुप्रीम अथॉरिटी। सुप्रीम अथॉरिटी मतलब सबसे बड़ी अथॉरिटी है। एंड क्योंकि वो बड़ी अथॉरिटी है, तो डे टू डे बिजनेस मैनेजमेंट का काम शेयर होल्डर का नहीं होता है। उनके पास तो केवल स्पेशल पावर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? स्पेशल पावर्स। यहां तक कहानी समझ में आई? जबकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोलो बच्चों क्या है जो, वो तो कंपनी के क्या है? मैनेजर है। मैनेजर होने के कारण कंपनी के क्या है? ऑफिसर्स। कंपनी के क्या है वो? वो कंपनी के एम्प्लॉई है, नौकर है शुद्ध हिंदी में। लेवल थोड़ा ऊपर है, ऑर्डिनरी लेवल का एम्प्लॉय नहीं है वो, मैनेजमेंट लेवल का एम्प्लॉय है। सीधी सीधी, अरे चपरासी भी होता तो एम्प्लॉय है कि नहीं होता? एंड देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर भी एम्प्लॉय है, पब्लिक सर्वेंट ही है वो भी। प्राइम मिनिस्टर पब्लिक सर्वेंट है ना? है तो सर्वेंट, केवल लेवल अलग है। और गवर्नमेंट ऑफिस में चपरासी वो भी क्या है? पब्लिक सर्वेंट है, केवल लेवल अलग है। तो है तो बेटा एम्प्लॉय ना, सीधी सीधी सी बात। बट हां, इनका काम होता है काहे का? डे टू डे मैनेजमेंट का। ये कंपनी के बिजनेस को मैनेज करते हैं, कंपनी के बिजनेस को रन करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। वापस से, तो जो कंपनी के कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन होते हैं बेटा जो? वो तो मैनेजर्स हैं। मैनेजर्स क्यों बोला? क्योंकि ये कंपनी के बिजनेस को मैनेज करते हैं। मैनेजर्स क्यों बोला बेटा? अच्छा, मैनेजर समझते हो क्या होता है? जो किसी चीज को क्या करता है। ये किसको मैनेज करते हैं? कंपनी के बिजनेस को, ऑन बिहाफ ऑफ। तो जो डे टू डे बिजनेस अफेयर्स होते हैं, बोलो बच्चों क्या होते हैं जो, ये कौन चलाते हैं? कौन चलाते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं डे टू डे बिजनेस अफेयर्स। ठीक है, तो डे टू डे बिजनेस अफेयर्स पूरी तरीके से किसके द्वारा चलाए जाते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। डे टू डे बिजनेस अफेयर्स में शेयर होल्डर इंटरफेयर नहीं करता है। उसने अपना काम करने के लिए सारी चीजें किसको सौंप दी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। हां, यह पॉसिबल है कि कुछ शेयर होल्डर डायरेक्टर भी हो सकते हैं, ये पॉसिबल है ना? ऐसा ना समझें कि ये दोनों व्यक्ति हमेशा अलग ही होंगे। मे बी पॉसिबल बोथ आर सेम। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एक प्राइवेट कंपनी बनाई। कौन सी कंपनी बनाई? ए और बी ने मिलकर प्राइवेट कंपनी बनाई। उन्होंने पैसा लगा दिया कंपनी में, तो वो कंपनी के क्या बन गए? शेयर होल्डर। मतलब कंपनी के वाई मनी इन्वेस्टेड इन द कंपनी, दे आर सुप्रीम अथॉरिटी, दे आर हैविंग ऑल द पावर्स, बट स्पेशल नेचर के काम यही करते हैं। अब बोले बिजनेस करने के लिए हमें एक अथॉरिटी अपॉइंट करनी पड़ती है, किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बिजनेस किसका है? कंपनी का। कंपनी किसकी है? शेयर होल्डर की। ऑनर कौन है? तो ऑनर ही तो एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट करेगा। तो
तो फिर ए और बी की ड्यूटी बनती है एज अ ऑनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, कि वो किसका अपॉइंटमेंट करे, ऑफिसर्स का, एम्प्लॉय का। तो शेयर होल्डर फिर किसका अपॉइंटमेंट करते हैं, समझ रहे हो आप, शेयर होल्डर फिर किसका अपॉइंटमेंट करते हैं। मान लो मेरी कंपनी है, मतलब मैंने पैसा लगा रखा है, अब मुझे डिसाइड करना है मेरी कंपनी चलाएगा कौन, मुझे डिसाइड करना है। मुझे अपने आप पे भरोसा है, मैं अच्छे से चला सकता हूं, मेरा पैसा है, मैं अच्छे से मैनेज कर सकता हूं, मेरा बिजनेस है, मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली मैंने अपने आप को क्या बना लिया, डायरेक्टर। वही ए और बी जो क्या थे, वही ए और बी क्या बन गए। ये पॉसिबल है, बिल्कुल है, कि जो शेयर होल्डर हो वही क्या हो और जो डायरेक्टर है वही क्या है, ये पॉसिबल है। प्राइवेट कंपनी के केस में तो लगभग होता भी यही है कि सारे शेयर होल्डर, क्योंकि कमी होते हैं, दो पांच ही होते हैं, वो सबके सब क्या होते हैं, डायरेक्टर। बट हां, पब्लिक कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो डायरेक्टर शेयर होल्डर तो होता है, डायरेक्टर क्या होता बेटा, बट सारे शेयर्स नहीं होते हैं उसके पास। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस कंपनी का नाम सुना है, रिलायंस कंपनी के 40% शेयर मुकेश अंबानी के पास है, कितने किसके पास है, पूरे तो नहीं है, बाकी तो पब्लिक के पास भी है, बट डायरेक्टर तो वो है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, चेयरमैन कौन है, मुकेश अंबानी। कौन सी कंपनी का, कौन सी कंपनी का, सारे शेयर तो नहीं है उसके पास। और रिलायंस में तो लाखों शेयर होल्डर है, और वो सबके सब रिलायंस के क्या नहीं है, डायरेक्टर। नहीं समझे, सबके सब डायरेक्टर हैं क्या? तो भाई ये पॉसिबल है कि सम ऑफ द शेयर होल्डर्स डायरेक्टर भी हैं, पॉसिबल है, ऐसा हो ये जरूरी भी नहीं है। जैसे मान लो मुकेश अंबानी ने ही कोई प्राइवेट कंपनी बनाई, ठीक है, पैसा तो लगा दिया उसने, पैसा तो उसने, बट उसके पास काम इतना है, उस पास उस कंपनी को मैनेज करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं, नहीं करना चाहता वो मैनेज, तो उसने इंटायरली डिफरेंट पर्सन अपॉइंट कर दिए, जो कि शेयर होल्डर भी नहीं है, जो कि केवल क्या है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो उसने मालूम पड़ा ये प्राइवेट कंपनी जो थी ये मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने मिलकर बनाई, बट डायरेक्टर किसको बना दिया, ए और बी को, डायरेक्टर किसको बना दिया। अब डायरेक्टर के पास क्या नहीं है, शेयर्स, और जो शेयर होल्डर है वो क्या नहीं है, बिल्कुल सही है, होता है, ऐसा भी होता है। तो ये बेसिक चीज है क्या, कि ऑनर शेयर होल्डर है, वो डिसाइड करेंगे कि उनकी कंपनी चलाएगा कौन। वो खुद चाहते हैं कि वो कंपनी चलाए, तो लॉ में मना ही थोड़ी कि हम हमारा पैसा दूसरे को हैंडओवर कर दे और वो दूसरा चलाए। मेरे में कैपेबिलिटी है, मैं काबिल हूं, मैं चला सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट मे बी पॉसिबल मेरे में इतनी कैपेबिलिटी ना हो, मे बी पॉसिबल मेरे पास इतना टाइम ना हो, मे बी पॉसिबल मैं उस काम को देखना नहीं चाहता हूं, बहुत सारी चीजें होती है। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक डायरेक्टर ही अलग से अपॉइंट कर दिए जो सारी चीजों को देख रहे हैं। तो ये हम देखेंगे, ये मैं केवल ओवरव्यू दे रहा हूं बेटा, ये सारी चीजें डिटेल में देखना अपने को, शेयर होल्डर, डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते हैं, क्या सब। हम एक बेसिक चीज देख रहे हैं कि कंपनी काम कैसे करती है, कंपनी होती क्या है। यहां तक क्या नहीं समझ में आई? तो फिर जो शेयर होल्डर रहेंगे कौन रहेंगे बेटा, जो वो किसका अपॉइंटमेंट करेंगे, वेरी गुड, किसका अपॉइंटमेंट करेंगे, प्राइवेट है तो कम से कम दो डायरेक्टर, पब्लिक है तो कम से कम तीन डायरेक्टर रहेंगे, ये चीज आई ना समझ में। तो वो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर देंगे, फिर वो डायरेक्टर ही डे टू डे मैनेजमेंट देखेगा, वो डायरेक्टर ही क्या करेगा कि भाई ये जैसे मेरी ट्रेडिंग कंपनी है, कौन सी कंपनी है, ट्रेडिंग मतलब क्या पढ़ा था हमने, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, मतलब मेरी कंपनी का काम क्या है, गुड्स खरीदना। और तो ये डायरेक्टर देखेंगे कहां से गुड्स खरीदें, किसको बेचें, किस क्वालिटी का खरीदना है, सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, डायरेक्टर। जैसे मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या हुआ, मैं बनाकर बेच रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्या बनाना है, रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, कैसे मशीन लगानी है। तो पूरा बिजनेस का काम जो है वो कौन करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कैसे मार्केटिंग होगी, क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि शेयर होल्डर ने मैनेजमेंट, सिंपल वर्ड में बोलूं तो बिजनेस चलाने का काम, सिंपल वर्ड में बोलूं तो काय का काम, पूरी तरह से किसको हैंड ओवर कर दिया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। वही देखते हैं सारी चीजें। तो क्या हम कहें कि कंपनी के केस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है,
थोड़ा थोड़ा मैं लीगल बोलता जाऊंगा, है ना, हम कोरिलेट करते जाए उसको। क्या हम ऐसा बोले कि कंपनी के केस में, कंपनी तो एक ही है, पावर भी किसके, कंपनी के, शेयर होल्डर के नहीं बेटा, पावर किसके, बट कंपनी ने वो पावर दो जनों को दे रखे हैं क्योंकि कंपनी वो काम खुद नहीं कर सकती। आप समझो, मैं ही नहीं बोल रहा हूं पावर शेयर होल्डर के, एक्चुअली कंपनी, कंपनी के ही पावर है। कैरेक्टरिस्टिक्स में एक पॉइंट पड़ा था ना, सेपरेट लीगल एक्जिस्टेंस, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, कि कंपनी और मेंबर्स दोनों क्या होते हैं, बिजनेस कंपनी का है कि मेंबर का है, कंपनी का है। भले ही पैसा किसने लगाया है, शेयर होल्डर ने लगाया है, बट फिर भी दोनों को क्या मानते हैं, वो लीगल है टेक्निकल है, वो देखेंगे अपन। तो यह सारी चीजें कंपनी की है, सारे पावर्स भी किसके हैं, बट क्योंकि कंपनी कैसी पर्सन है इसलिए खुद से वो कोई डिसीजन, वो उन पावर्स को एक्सरसाइज, अरे समझ रहे हो, इसलिए फिर लॉ में बोला कि ठीक है जो कंपनी के पावर है बिजनेस चलाने के, सारे काम करने के, वो इन दो अथॉरिटी के अंदर बांट दिए जाएं। दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स। एक तरफ कुछ पावर किसके पास है, शेयर होल्डर के पास, एंड दूसरी तरफ कुछ पावर किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास। अरे आ रहा है समझ में, तो शेयर होल्डर कौन है कंपनी के, तो उनके पास तो स्पेशल पावर है, डे टू डे मैनेजमेंट, डेली रूटीन का काम नहीं करते हैं वो, कौन, शेयर होल्डर, क्या नहीं करते हैं, डेली रूटीन का काम नहीं करते हैं वो, उसके लिए वो किसका अपॉइंटमेंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के क्या है, क्या है, मैनेजर मतलब ऑफिसर, और तो नौकर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, मालिक, कि मालिक का अपॉइंटमेंट नौकर करेंगे, तो हम सीधे समझ सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर। कैसे होता है, क्या होता है, सब पढ़ेंगे अपन, यहां तक की कहानी समझ में आई। तो अब जो डे टू डे मैनेजमेंट के एक्सक्लूसिव पावर है, बिजनेस चलाने के एक्सक्लूसिव पावर है, वो किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मान लो कि हमारा होटल है, जैसे ताज होटल से ना, वो भी क्या है, कंपनी है। अब उसके डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि होटल का रेंट कितना रखना है, शादी के लिए देना है कि नहीं, क्या क्या बनाना है, वेज रखना है, नॉन वेज रखना है, सारे बिजनेस रिलेटेड डिसीजन सारे कौन लेता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जो डेली रूटीन का काम है, काय का काम है जो, वो कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और जो डेली रूटीन का काम कभी कभी होने वाला है, स्पेशल है, रूटीन नहीं है, वो कौन करते हैं, शेयर होल्डर्स। ये चीज आई समझ में, चलो यहां तक कंक्लूड करो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो हमने क्या बोला, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब, हाँ, क्रिएटेड बाय, दैट इज बाय नोन एज, हाँ, और काई के लिए बनाई है, तो कंपनी क्या करती है, बट क्योंकि कंपनी उसके पास फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं मतलब, इसलिए कंपनी खुद से कोई, खुद पावर को यूज, इसलिए कंपनी के केस में दो अथॉरिटी होती, कौन कौन, कंपनी के क्या है जो वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंपनी के क्या है जो वो किसके बीच में, पावर किसके हैं, बट क्योंकि कंपनी के पास, इसलिए खुद से वो काम, तो वो इनसे करवाती है और बोर्ड से करवाती है। तो कुछ काम का पावर किसके पास है, अब बोले शेयर होल्डर की पोजीशन क्या कंपनी में, ऑनर्स वाली, ऑनर है वो तो कंपनी के, ठीक है, एंड वो कौन सी अथॉरिटी है, वो क्या नहीं करते हैं, रूटीन का काम नहीं करते हैं, वो केवल स्पेशल पावर रखते हैं जो रूटीन से रिलेटेड नहीं। दूसरा, दूसरे कौन होते हैं, जिनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, कौन करता है, तो शेयर होल्डर कंपनी बनाकर किसको दे देते हैं, चलाने के लिए। तो जो डे टू डे मैनेजमेंट का काम होता है, फटाफट से बोलो क्या होता है, जो वो किसके द्वारा किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। यहां तक की कहानी समझ में आई। एंड शेयर होल्डर ही क्या हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है, हो सकता है, हो ये जरूरी नहीं है। बोला कि कंपनी के बिहाफ पर डिसीजन कौन ले रहा है, या तो, या बेटा बोलते जाओ, कौन ले रहा है, या तो, या बोर्ड ऑफ। क्या कंपनी में एक शेयर होल्डर होता है, नहीं, प्राइवेट है तो कम से कम
मैक्सिमम, पब्लिक है तो मिनिमम, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। ये चीज आई समझ में? रोक तो। हमने क्या बोला कि एक जना नहीं होता ना, इसलिए हमने कंपनी को क्या बोला है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो जैसे प्राइवेट में कम से कम, मैक्सिमम, और पब्लिक में मैक्सिमम की तो कोई, हालांकि ओपीसी होती है जिसमें एक ही जना होता है, बट नॉर्मल केसेस में तो एक से ज्यादा ही मेंबर होते हैं, है ना। इसी तरह से डायरेक्टर्स लें तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15, पब्लिक में 3, मैक्सिमम 15। इवन स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके 15 से ज्यादा, फाउंडेशन की यादें जोर मार रही है, सब मिलेगा यहां पर, है ना। अब मैं ये समझा रहा हूं क्योंकि कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। बोल बच्चों, कंपनी डिसीजन या तो कौन लेगा, या तो ना तो कंपनी में एक शेयर होल्डर होता है ना कंपनी में एक डायरेक्टर होता है। मैं ओपीसी की बात नहीं कर रहा, उसको दिमाग से हटाई दो अभी। तो नॉर्मली ना तो कंपनी में एक ना कंपनी में एक, तो जब डिसीजन लेना है तो क्या एक जने को लेना है? सही बताओ, मजाक मत करो। डिसीजन एक जने को लेना है क्या? जैसे एक प्राइवेट कंपनी बनाई, उसमें 50 मेंबर है, कितने मेंबर है? तो सभी की सभी शेयर होल्डर है, सभी की सभी डिसीजन लेंगे कि नहीं लेंगे, कि केवल एक जना डिसीजन लेगा या 2-3 ले लेंगे? तो फिर ये बोला है, ये इकोनॉमिक का पुराना प्रिंसिपल है कि जब भी डिसीजन एक से ज्यादा जने को लेना होता है, जब भी डिसीजन एक से, तो हमेशा डिसीजन मेजोरिटी से लिया जाता है। जब भी डिसीजन एक से ज्यादा पर्सन को लेना होता है, देन डिसीजन हमेशा कैसे लिया जाता है, मेजोरिटी। हम तो सिंपल समझें, मान लो प्राइवेट कंपनी है, 10 मेंबर है, मान लो प्राइवेट कंपनी कितने मेंबर हैं? अब इन्हें कंपनी के बिहाफ पर किसी मैटर पर डिसीजन लेना है। बोलो बच्चों, इन्हें 10 के 10 किसी मैटर पर हां कर दें, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 10 के 10 किसी मैटर पर ना कर दें, ऐसा भी पॉसिबल है क्या? हो भी सकता हो, बट रेयरली पॉसिबल है। चलो, तो बहुत कम फिगर लिया हमने। हम तो बोले जैसे रिलायंस कंपनी का एग्जांपल लेते, उसमें लाखों शेयर होल्डर है नहीं। अब सबको मिलकर क्या लेना है डिसीजन? सबके सब किसी मैटर पर हां कह दें, या सबके सब किसी मैटर पर, ऐसा रेयरली पॉसिबल होता है, हो भी जाता है। जैसे प्राइवेट कंपनी 2 ही मेंबर है, ए और बी, दोनों ने हां कर दी, दोनों ने मना कर दी, हो भी जाता है। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो जहां पर एक से ज्यादा पर्सन होते हैं, जहां पर एक से, तो डिसीजन हमेशा कैसे लिया जाता है, मेजॉरिटी से, बिकॉज इट इज रेयरली पॉसिबल कि सभी की सभी एक मैटर पर हां कह दें, या सभी की सभी एक ही मैटर पर ना कह दें। आप समझ रहे हो मैंने क्या समझाया? बोल के बताओ, जहां पर भी डिसीजन, वाई वी आर री, यहां पर भी डिसीजन एक से लेना होता है, तो हमेशा डिसीजन कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं मेजोरिटी से? नहीं आई आवाज? नहीं आई? क्योंकि ये पॉइंट आया समझ में अपने को, है ना। तो अब डिसीजन या तो कौन लेगा, या कौन लेगा? बोर्ड किस मैटर पे लेंगे? डे टू डे मैनेजमेंट, वेरी गुड। शेयर होल्डर? शेयर होल्डर। अब डायरेक्टर भी तो कम से कम 2 हैं, या कम से कम कितने हैं? रिलायंस है, 15 डायरेक्टर हैं, तो वो भी जब डिसीजन लेंगे तो वो भी कैसे लेंगे? क्योंकि उनके केस में भी पॉसिबल नहीं कि 15 के 15 हां कह दे, या 15 के 15 ना कह दे। तो हमेशा कंपनी में किसकी चलती है, डिसीजन कैसे लिया जाता है, चाहे शेयर होल्डर ले, चाहे बोर्ड ऑफ। मैं आगे लिंक बनाते जा रहा हूं। तो हमने बोला कंपनी के भी आप पे डिसीजन कौन लेते हैं, या तो शेयर होल्डर, या एंड डिसीजंस आर ऑलवेज टेकन बाय मेजॉरिटी। ये समझ में आया? अच्छा, अब हमें क्या लेना है बेटा, डिसीजन हमें क्या लेना है? तो सारे शेयर होल्डर मिलकर डिसीजन लेंगे,
नहीं क्या? क्या बोलो? मिलकर डिसीजन लेने के लिए मिलना जरूरी है, तो हम इनकी मीटिंग बुलाते हैं। लॉजिकल समझना है ना, हमने क्या बोला? डिसीजन कौन लेता? तो हम क्या बोल रहे हैं कि डिसीजन कैसे लेंगे? मेजोरिटी से डिसीजन कैसे लेंगे? चाहे कौन हो, चाहे मेजोरिटी से, मतलब सब मिलकर डिसीजन लेंगे। मिलकर डिसीजन लेने के लिए मिलना जरूरी है। अरे मिलकर डिसीजन लेने के लिए तो सबको मिलने के लिए बुलाना पड़ता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मीटिंग बोलते हैं। तो शेयर होल्डर भी डिसीजन कहां लेते हैं? वेरी गुड, शेयर होल्डर भी डिसीजन कहां लेते हैं? शेयर होल्डर की मीटिंग को जनरल मीटिंग कहा जाता है। शेयर होल्डर की मीटिंग को, शेयर होल्डर भी डिसीजन कहां लेते हैं? मीटिंग में। शेयर होल्डर की मीटिंग को कितने तरह की होती है? एजीएम होती है, क्लास मीटिंग होती है, सब डिटेल में पढ़ेंगे सब, है ना। तो हमने बोला कि जब भी अगर कंपनीज एक्ट में लिखा है कि इस मैटर पे डिसीजन कौन लेगा? शेयर होल्डर। वापस से बोलो, किसी भी सेक्शन में लिखा है ना कि इस मैटर पे डिसीजन कौन लेगा, तो जब शेयर होल्डर को डिसीजन लेना है तो आपको मीटिंग क्या क्या कॉल करना पड़ेगी? मीटिंग। बोलो बच्चों, क्या कॉल करना पड़ेगी? किसकी मीटिंग? किसकी मीटिंग? विच विल नोन एज, क्या हो सकती? या तो या सबकी डिटेल पढ़ते हैं अपन, एजीएम क्यों करते हैं, ईजीएम क्यों करते हैं, क्लास मीटिंग क्यों होती, सब बताऊंगा। यहां तक की कहानी समझ में आई? तो क्या कॉल करेंगे? क्या कॉल करेंगे? मीटिंग। ठीक है, किसकी मीटिंग? किसकी मीटिंग? शेयर होल्डर की मीटिंग, है ना। अब मीटिंग में सारे शेयर होल्डर आ गए। बोलो बच्चों, मीटिंग में सब मिलकर क्या लेंगे? सब मिलकर क्या लेंगे? बट अभी हमने बोला सबके सब एक ही मैटर पर क्या कर दें, या क्या कर दें? ऐसा पॉसिबल? इसलिए डिसीजन तो मेजोरिटी देखने के लिए हम हमेशा रेजोल्यूशन पास करते हैं। मेजोरिटी देखने के लिए हम हमेशा क्या पास करते हैं? रेजोल्यूशन। वापस से, क्या देखने के लिए बेटा? मेजोरिटी देखने के लिए हम हमेशा क्या पास करते हैं? जैसे अभी आपने बोला था ना, स्पेशल रेजोल्यूशन फाउंडेशन में याद किया था ना कि अगर कंपनी को 15 से ज्यादा डायरेक्टर रखना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके किसकी अप्रूवल लगेगी? शेयर होल्डर। सब बता रहा हूं, केवल एक लिंक बताया कि अपन ने वर्ड पढ़ा है वहां पर। यहां तक कहानी समझ में आई? तो जब भी डिसीजन किसको लेना है, वी विल हैव टू कॉल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर नोन एज, क्या क्या हो सकती है? या तो और एज द केस में भी, वो क्या है वो अपन देखते हैं आगे। फिर डिसीजन हमेशा कैसे लेंगे? मेजोरिटी के लिए क्या पास करेंगे? हाँ, जनरल मीटिंग में जो रिजोल्यूशन पास करते हैं उन्हें जनरल मीटिंग रिजोल्यूशन बोलते हैं। जनरल मीटिंग में जो उन्हें क्या बोलते हैं? कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। ये नहीं सुना आपने, बता दिया मैंने, है ना। जनरल मीटिंग रिजोल्यूशन कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। कौन कौन से? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, अब हमें यह नहीं बोलना कि रिजोल्यूशन दो है, ऑर्डिनरी और स्पेशल। रिजोल्यूशन कितने तरह के होते हैं? तीन। कौन कौन से? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। अब बोले कौन से मैटर को शेयर होल्डर, कौन से मैटर को शेयर होल्डर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके डिसाइड करेंगे, कौन से मैटर को शेयर होल्डर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके डिसाइड करेंगे, कौन से मैटर पर? पूरा वर्ड बोलो, क्या बोला? रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। क्या लिखा मैंने? बोलो, रिजोल्यूशन, ऐसा रिजोल्यूशन जिसे पास करने के लिए स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड है। ऐसा रिजोल्यूशन जिसे पास करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड। ये समझ में आया? तो बोले कौन से मैटर पर क्या पास होगा? अरे समझ में आ रहा है?
रहा है क्या? बोलते जाओ, चुप मत बैठो। कौन से मैटर पर? कौन से मैटर पर? कौन से मैटर पर? तो बोले सब कंपनीज एक्ट में लिखा है, सब लिखा हुआ है। कहां पर? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट देखना है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखना है। क्या क्या देखना बेटा? कंपनीज एक्ट देखना है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखना है। उसमें मालूम पड़ता है कि भाई शेयर होल्डर को ये डिसीजन लेना है तो ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके लेना है, या ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके लेना है, या इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? स्पेशल नोटिस। ये सब कहां लिखा है? कंपनीज एक्ट में, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में। जैसे एक बताया ना आपने भी कि कंपनीज एक्ट में लिखा था ना कि अगर कितने से ज्यादा डायरेक्टर चाहिए, 15 से ज्यादा, तो कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है, ऐसा पढ़ा ना आपने। बस वो कंपनीज एक्ट में तो लिखा था। अब बोले अगर लिखा है कि कोई डिसीजन कैसे लेंगे, तो फिर हमें मोर देन 50% शेयर होल्डर की कंसेंट चाहिए। अगर बोला है ना कि ये रेजोल्यूशन या इस मैटर पर डिसीजन हमें कौन सा रेजोल्यूशन पास करके लेना है, तो हमें 50% से ज्यादा शेयर होल्डर की क्या लगती है? कंसेंट। अभी बार बार नहीं समझाऊंगा बेटा मैं, बट ये वर्ड बार बार आते रहेंगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, हर सेक्शन में वर्ड मिलेंगे आपको। तो मैं अगर उस समय बोलता हूं तो ये सारी पिक्चर आपको क्लिक होना चाहिए। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हां ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जब हम पढ़ेंगे उस पर आएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन उस पर आएगा। ये तो मैं जनरल ओवरव्यू दे रहा हूं बस, ये सारी चीजें हमें डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़नी है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन समझने में 15 मिनट लगेंगे, मैंने लीगल डेफिनेशन नहीं बताई, मैंने सिंपल बता दिया कि जहां लिखा है ना क्या कि ये डिसीजन कौन से रेजोल्यूशन से लेंगे, बोलो तो मतलब अपने को क्या कॉल करनी है? मीटिंग। किसकी मीटिंग? उसे क्या बोलेंगे? चाहे वो उसमें क्या आएंगे? शेयर होल्डर। क्या आएंगे बेटा? जैसे मान लो एक पब्लिक कंपनी है, कौन सी कंपनी है, कितने शेयर होल्डर हैं? 100। कितने शेयर होल्डर हैं? 100, है ना। अब शेयर होल्डर को क्या लेना है? डिसीजन। किसको बेटा? शेयर होल्डर को क्या लेना है? तो एक्ट में लिखा है कौन सा रेजोल्यूशन पास करके, तो सबसे पहले आप क्या कॉल करोगे? किसकी? फिर उसमें कौन आएंगे? कितने? कितने? 100 के 100 आ जाए, ये जरूरी है क्या? एक वर्ड पढ़ा था हमने, कोरम, याद आया? कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन जिनका मीटिंग में आना जरूरी है। कोरम मतलब क्या? जिनका मीटिंग में आना। हम बुलाएंगे तो 100 को, हम बुलाएंगे तो, बट ये 100 के 100 आ जाए ये जरूरी? तो बोले कम से कम कितने आ जाए कि हमारा काम हो जाए, दैट कम से कम इज लीगली नोन एज कोरम। ठीक है, चलो मालूम पड़ा कि मीटिंग में बुलाया हमने 100 को, था आए कितने हैं? 80। कितने आए बेटा? 80। अब इनको डिसीजन लेना है, इनको क्या लेना है? डिसीजन कैसे लेंगे? मेजोरिटी देखने के लिए क्या पास कराएंगे? क्या पास कराएंगे? अब एक्ट में लिखा कौन सा रेजोल्यूशन? ऑर्डिनरी मतलब 50% की नहीं, 50% और मोर देन 50 में डिफरेंस होता है। मैंने क्या लिखा? मोर देन 50। अब बेटा मोर देन 50 100 का करोगे 80 का? वेरी गुड। जितने मीटिंग में आए थे उनका, ये सब डिटेल में आगे आएगा बट फिर भी मैं बता रहा हूं, है ना। तो हमने क्या बोला, मीटिंग में कितना है? 80 का, आधे से आधा कितना हुआ? 41। कितना हुआ? मतलब 80 में से 41 ने हां कर देना तो ये डिसीजन मान लिया जाएगा, बट अगर 41 ने हां तो ये डिसीजन फेल हो जाएगा। इसमें और भी कैलकुलेशन, केवल सिंपल बताया है, इसमें और भी कैलकुलेशन होंगे बहुत सारे, है ना। किसी ने वोट दिया है, किसी ने नहीं दिया है, कोई कुछ बोल रहा है, इफ और बट अपन सब करेंगे। मैं अभी केवल पॉजिटिव चीजें सीधे सीधे से बता रहा हूं। मान लो 100 मेंबर थे, 100 के 100 आ गए, मान लो 100 के 100 बहुत अच्छी बात है, आ गए तो हमें आधे से आधा की परमिशन चाहिए। आधे से आधा मतलब मोर देन, तो हम 100 का 50% निकाल लेंगे। फिर जितने मीटिंग में आते हैं ना उसका आधे से आधा की परमिशन चाहिए, तो फिर हमें उस केस में कम से कम 51 लोगों की क्या चाहिए? कंसेंट। अरे समझ में आ रहा है?
100 मेंबर थे, 10 ही मेंबर आए मीटिंग में, कितने आए? तो 6 की कंसेंट चाहिए, सीधी सीधी सी बात है। ये पॉइंट आया, आप ये समझो जैसे हमारी कंट्री के इलेक्शन होते ना, वोट देने का राइट सबको होता है ना, सब जाते हैं वोट देने। देखा 60% या 70% वोटिंग होती है कि नहीं होती? होती, उतनी होती, कहीं कहीं होती 80-90% भी हो जाती है। सब तो आते ही नहीं, तो बोले फिर सबकी मेजोरिटी थोड़ी देखते हैं, जिन्होंने क्या डाला था उसकी मेजोरिटी देखते हैं यार, सीधी सीधी सी बात। यही यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट है, ये चीजें समझ में। अब मान लो अगर लॉ में बोला है कि उस मैटर पर कौन सा रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, तो एटलीस्ट 75% की कंसेंट चाहिए, या ऐसे याद रख लो 75% और मोर की कंसेंट चाहिए। यहां मैंने मोर देन 50 लिखा, इसको ऐसे याद करना है। यहां मैं 75 या उससे ज्यादा बोल रहा हूं, दोनों चले गए हैं, है ना। तो जैसे ये मैटर था ना हमारा कि हमें कितने से ज्यादा डायरेक्टर रखने हैं, 15 से ज्यादा। तो आपने बोला कि इसके लिए किसकी अप्रूवल लगेगी? शेयर होल्डर की। शेयर होल्डर की अप्रूवल लगेगी, तो लॉ में लिखा था अप्रूवल के लिए क्या पास करना है। अब यहां 50 से काम नहीं चलेगा, यहां आपको कम से कम 75 की कंसेंट चाहिए। तो अगर 100 मेंबर हैं और 100 की 100 आए हैं, तो उसमें से 75 हां करें। 100 में से कितने आए थे? तो 80 में से 60 हां करें। अरे 80 का 75 निकलेगा ना, उसके लिए कैलकुलेटर चाहिए अपने को, क्योंकि मैथ्स तो अपनी अच्छी है ही नहीं। मैथ्स अच्छी होती क्या? बचपन से नहीं, कैलकुलेटर ने सब खराब कर दिया। चले यहां तक की कहानी समझ में आई? क्या बोला मैंने कि अगर कौन सा रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, तो मोर देन 50% की कंसेंट, और अगर तो 75 या उससे ज्यादा की कंसेंट। ये अलग है, जिस पर स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड होगा वो अपन अलग की चीज है, देखते हैं अपन, है ना। ये रेयरली आता है, बट ये दोनों वर्ड रेगुलर आते रहेंगे, इसलिए मैंने बता दिया, है ना। तो अगर कंपनी के बिहाफ पर डिसीजन किसको लेना है? न्यायिक भाग, तो हम किसकी, जिसे क्या बोलते हैं, हाँ एजीएम या क्लास मीटिंग कुछ भी हो सकती। फिर उन्हें क्या लेना है? डिसीजन हमेशा मेजोरिटी के लिए क्या पास करेंगे? हाँ, जनरल मीटिंग के रिजोल्यूशन कितने तरह के होते? 3 तरह के। कौन कौन से? कौन सा पास होगा, ये कहां लिखा है? कंपनीज एक्ट मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ के मालूम पड़ेगा। अब अगर कौन सा रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड था, तो फिर मोर देन 50% किसका देखोगे, जो कहां आए हैं और क्या डाल रहे हैं? वोट। फिर अगर कौन सा रेजोल्यूशन बोला है, तो 75 या उससे ज्यादा की कंसेंट। 75 किसका देखोगे, जो कहां आए हैं और क्या डाल रहे हैं? वोट। और एक ही होता है। अरे समझ में आया? चले फिर हमने बोला कुछ मैटर पर डिसीजन कौन लेते हैं, कौन लेते हैं? मिलकर। मिलकर काम करने के लिए क्या जरूरी है? मिलना जरूरी है। मिलकर काम करने के लिए क्या जरूरी है? तो फिर हम डायरेक्टर्स की भी मीटिंग करते हैं। बोलो बच्चों, हम डायरेक्टर्स की मीटिंग को बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, शेयर होल्डर की मीटिंग को जनरल मीटिंग बोलते हैं, डायरेक्टर्स की मीटिंग को। तो अब अगर लिखा है कि इस मैटर पर डिसीजन कौन लेगा, नहीं ये बात कैसे मालूम पड़ेगा कि डिसीजन शेयर होल्डर लेगा या बोर्ड? तो बोले कहां लिखा होगा? कंपनीज एक्ट मेमोरेंडम आर्टिकल। अपना दिमाग नहीं लगाना, सब लिखा है वहां पर, पढ़ना है बस उसको। कि हम बोले यार आपने तो जनरल बता दिया, डे टू डे बिजनेस अफेयर्स। बोले हाँ ठीक है, जहां लिखा है ना एक्ट में, तो शेयर होल्डर लिखा तो शेयर होल्डर लेगा, बोर्ड लिखा तो बोर्ड लेगा। ये पॉइंट आया समझ में अपने को? तो अब अगर डिसीजन किसको लेना है, तो क्या एक डायरेक्टर है? तो डिसीजन मेजोरिटी से लेंगे, मेजोरिटी पास करने, मेजोरिटी देखने के लिए। तो अब हम क्या कॉल करेंगे, किसकी मीटिंग? नहीं, डिसीजन किसको लेना है, तो हम किसकी मीटिंग बुलाएंगे। सब प्रोसीजर सेम है,
पर्पस सब सेम है कि वो भी मेजोरिटी से लें, ये भी मेजोरिटी से डिसीजन लें, वो अपनी मीटिंग में लें, ये अपनी मीटिंग में लें, वो भी रेजोल्यूशन पास करके लें, ये भी रेजोल्यूशन पास करके लें। तो अब क्योंकि डिसीजन किसको लेना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ये बोलना है क्या तुमको? बोलो, चुप मत बैठो। डिसीजन किसको लेना है? हाँ, तो आप क्या कॉल करेंगे? क्या कॉल करेंगे? डायरेक्टर्स की मीटिंग, जिसे बोर्ड मीटिंग बोलते हैं। कितने तरह की होती है? कोई तीन नहीं, एक ही तरह की होती है बोर्ड मीटिंग। जनरल मीटिंग कितने तरह की होती है? जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग के भांति भांति और भिन्न भिन्न प्रकार नहीं होते हैं, वो एक ही होती है बोर्ड मीटिंग। ठीक है, ये चिड़ाई समझ में। अब बोर्ड मीटिंग में क्या पास होगा, कितने तरह के होते हैं? अच्छा, मेरे दो टांग बना दी तो दो, कौन कौन से? ऑर्डिनरी और स्पेशल जनरल मीटिंग में होते हैं, बोर्ड मीटिंग में नहीं होते हैं, है ना? तो एक होता है ऑर्डिनरी मेजोरिटी से, एक होता है ऑर्डिनरी मेजोरिटी, एक क्या होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं बोलते हैं। बोर्ड मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास होते हैं उन्हें बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन कहा जाता है। बोलो बच्चों, क्या बोला मैंने? उन्हें बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन बोलते हैं। या तो वो ऑर्डिनरी मेजोरिटी से होते हैं या यूनेनिमस कंसेंट होता है। ऑर्डिनरी मेजोरिटी मतलब तो वही है, मोर देन 50% की कंसेंट। यूनेनिमस मतलब 100% की कंसेंट। 100% मतलब लिखो, कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट। यूनेनिमस मतलब सर्वसहमति। यूनेनिमस मतलब क्या होता बेटा? सर्वसहमति। सर्वसहमति मतलब कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट। लिखो, पीछे वाला पेज भर गया, आप जगह नहीं मिल रही लिखने की कहीं, है ना? वेरी गुड। हाँ, क्या है बोलो? डायरेक्टर डिसीजन लेंगे ना, वो भी क्या पास करेंगे? रिजोल्यूशन। बट वो रिजोल्यूशन केवल बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन कहलाता है, वो ऑर्डिनरी स्पेशल या इतने तीन कैटेगरी का नहीं होता, वो एक ही होता है। क्या? बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन। क्या होता है वो? या बोर्ड रिजोल्यूशन बोलते हैं उसको। अब उसमें मेजोरिटी अलग होती है, एक होती है ऑर्डिनरी मेजोरिटी। क्या होती है बेटा? एक जिसमें 50% से ज्यादा की कंसेंट, जैसा उधर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है। ये चीज आई समझ में? एंड दूसरा होता है यूनेनिमस कंसेंट। कौन सी कंसेंट? यूनेनिमस मतलब सर्वसहमति है। सर्वसहमति मतलब सबकी सहमति। सबकी मतलब जितने डायरेक्टर्स मीटिंग में आए ना, सबके सब क्या कहें? हाँ। सबके सब क्या कहें? हाँ। अरे चीज आई समझ में? हाँ? ये बेसिक चीजें। चलो रिपीट करते हैं वापस से। हमने क्या बोला? अब कंपनी तो क्या हो गई? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या हो गई कंपनी? तो कंपनी के बिहाफ पर एक जना तो है नहीं ना, तो शेयर होल्डर में कोई एक है ना, इसलिए डिसीजन सब। तो अगर किसको डिसीजन लेना है तो क्या जरूरी है? तो हम क्या कॉल करते हैं? किसकी? उसमें कौन आएंगे? शेयर होल्डर की मीटिंग को क्या बोलते हैं? कितने तरह की होती है? कौन कौन सी? ये समझ में आ गया? एंड डिसीजन कैसे लिया जाएगा? मेजोरिटी के लिए हम जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन। कितने तरह के होते हैं? कौन कौन से? कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा पास करना है? ठीक है, बट अगर कौन सा लिखा है तो हमेशा किसका देखेंगे? जो मीटिंग में आए हैं। मेजोरिटी हमेशा किसकी देखोगे? जो फिर दूसरा अगर तो 75 या उससे ज्यादा की कंसेंट, है ना? और तीसरा होता है रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। बट अगर एक्ट में लिखा है कि डिसीजन कौन लेगा, तो वो भी डिसीजन कैसे लेता है? नहीं आई आवाज? मेजोरिटी से ही लेगा। एंड इस बार मेजोरिटी किसकी होनी चाहिए? डायरेक्टर्स की। तो हम क्या कॉल करेंगे? बोर्ड मीटिंग। और डिसीजन लेने के लिए क्या पास करेंगे? बोर्ड रेजोल्यूशन। कौन सा वाला? ऑर्डिनरी मेजोरिटी या यूनेनिमस।
कौन से मैटर पर ऑर्डिनरी, कौन से पे यूनिनिमस, सब लिखा है एक्ट के अंदर, एक्ट के अंदर सब लिखा है। ये चीज आई समझ में अपने को? एंड ऑर्डिनरी मेजोरिटी बोली है तो 50% से ज्यादा की, और अगर तो डायरेक्टर तो नॉर्मली 15 होते नहीं ना, तो कुछ मैटर बता रखे हैं, बोले सब हां करें तो ही काम करना है, नहीं तो करने की जरूरत नहीं। सीधी सीधी सी बात, ये हमने केवल बेसिक चीजें देखी हूं कि ये चीजें रहेंगी। ये पॉइंट आ रहा समझ में अपने को? तो ये इन पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बेसिक चीजें। हां, इनका जब हम डिटेल पढ़ेंगे, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, इन सबके चैप्टर हैं, सबके डिटेल पढ़ेंगे, उनके ऊपर क्या आएंगे क्वेश्चन।